हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कोची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक हम इस पर 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो होपफुली अब तक मैक्सिमम डाउट आपके फिल्टर हो चुके होंगे। अब एक न्यूमेरिकल और सोल्व कर रहे हैं, सो दैट यू विल हैव ना मोर गुड आइडिया अबाउट द कोची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डीवाई एक्स प्लस 6 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स कोस 2 लोग एक्स। ये क्वेश्चन आ चुका है वीटीयू वेलोरे 2009 में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, सोल्व करते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सेम x d square y upon dx square minus 4 dy/dx plus 6 by x y is equal to 1 by x cos 2 log x। अब यहां अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कायदे से डबल डेरिवेटिव के साथ x square होना चाहिए, बट यहां तो x है। सिंगल डेरिवेटिव के साथ x होना चाहिए, वहां कोई है ही नहीं। y के साथ x नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए यहां पे बिल्कुल भी। तो यहां पड़ा है राइट हैंड साइड के एक्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो अगेन इट विल डिपेंड या इट विल चेंज द पीआई पार्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहां एक्स, एक एक्स की कमी है प्रोडक्ट में, यहां भी एक एक्स की कमी है, और ऑब्वियसली जब यहां एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स खत्म हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट कोची फॉर्म में नहीं होता जैसे यहां दिख रहा है, तो कुछ पावर्स की कमी हो सकती है आपके गिवन क्वेश्चन में। तो जैसे यहां एक एक्स की कमी है तो कई बार आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ सकते हैं। सबसे आसान तरीका इसको याद रखने का, वाई के साथ कोई एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर वाई के साथ कोई एक्स की टर्म पड़ी है तो प्लीज उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बाकी चीजें सारी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। अगर एडजस्ट हो जाए तो वो कोची फॉर्म होगी, नहीं होगी तो ठीक है, वी कैन ट्राई इट बाय अनदर मेथड। ठीक है, चलो बाय समझ में आ गया एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया। बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद एक्स वी गेट ये एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स डीवाई एक्स प्लस 6 वाई और यहां भी एक्स खत्म हो गया कोस 2 लॉग एक्स। क्लियर हो गया। तो यह साफ दिख रहा है कि इसमें डेरिवेटिव के साथ साथ जितने डेरिवेटिव है उतने एक्स भी साथ में पड़े हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर पड़ा है, यहां एक्स पड़ा है, तो इसको पता है आपको एक स्पेशल टाइप होती है, दैट इज विच इज द कोची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ट्रिक इसमें बता चुका हूं मैं कि हमेशा एक्स की जगह क्या पुट करना है, ई रेस्ट पर टी, और टी की वैल्यू आ जाती है उससे लोग एक्स, वो बता चुके हैं। और आपको पता है सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू डी वाई और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू डी इंटू डी माइनस 1 वाई। इन दोनों की डेरिवेशन मैं फर्स्ट लेक्चर में करा चुका हूं, स्टिल कोई डाउट होगा तो आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो आप मुझे कमेंट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कैपिटल डी की वैल्यू मैंने बताई थी डी बाय डी टी होती है। अब इक्वेशन पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो यहां मैं पुट करूंगा तो यह आएगा डी इंटू डी माइनस 1 वाई माइनस 4 एज इट इज, इसकी वैल्यू डी वाई है यहां से, प्लस 6 वाई एज इट इज इक्वल टू कोस 2 लोग एक्स। लोग एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट टी पुट कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, नहीं तो आप एक्स की जगह ई की पावर टी पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो बात वही है, आएगा कोस 2 टी ही। अब मैंने यहां से वाई कॉमन ले लिया, ये बच्चा बच्चे डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 4 डी प्लस 6 वाई इज इक्वल टू कोस 2 टी, ये बच्चा डी स्क्वेयर माइनस 5 डी प्लस 6 वाई इज इक्वल टू कोस 2 टी। मेरे को लगता नहीं यहां तक कोई डाउट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहां जो कॉन्स्टेंट है 1 है, यहां माइनस 5 है और यहां 6 है, तो जो कोफिशियंट है वो कॉन्स्टेंट है। तो नाउ विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, दैट इज द मेन टर्म। तो आपने, आपके पास वेरिएबल कोफिशियंट आए, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया, तो आपसे आपके पास क्या बच गए, कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। ठीक है, तो अब आपको पता है ये सिंबोलिक फॉर्म है। नाउ फ्रॉम सिंबोलिक फॉर्म 2 वी गेट, आपको पता है इसके लिए क्या निकालना है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट के, एक सीएफ और दूसरा पीआई। तो आपको पता है यहां से क्या निकालते हैं, सबसे पहले एफडी डी स्क्वायर माइनस 5 डी प्लस 6, यहां से इसके बाद क्या निकालते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन।
फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ डी आपके पास है एफ ऑफ एम के लिए एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई करोगे एम की वैल्यू आएगी टू और थ्री, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, होपफुली यू आर मच कंफर्टेबल राइट नाउ। ओके, आपको पता है एम की वैल्यू रियल है, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट है, रियल है और अलग अलग है, तो आपको पता है रियल है तो ई की पावर में आएगा, तो C1 e रेस्ट पर 2t प्लस C2 e रेस्ट पर 3t। मैं बता चुका हूं बार बार ये t यहां क्यों है, क्योंकि हम इसको देख के CF लिख रहे हैं और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो यहां तक हो चुका है, अब नाउ वी आर ओनली पेंडिंग विद द PI पार्ट। ठीक है, सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है आपका लेक्चर नंबर 9। पहले अगर आप देखें जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट के टॉपिक मैंने कराए थे, तो उसमें लेक्चर नंबर 9 है जो कोस को हैंडल करता, राइट हैंड साइड कोस को, तो होपफुली वो आती भी होगी मैक्सिमम बच्चों को, नहीं आती तो देख लीजिए। नाउ पीआई क्या होता है बच्चे, 1 बाय एफडी इनटू राइट हैंड साइड, एफडी क्या है डी स्क्वायर माइनस 5डी प्लस 6 इनटू राइट हैंड साइड दैट इज कोस 2टी। आपको पता राइट में जब भी कोस हो तो हमेशा डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी माइनस ए स्क्वेयर, ये ट्रिक होती है और ए होता है ये, तो डी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करते हैं माइनस ए स्क्वेयर, तो यहां ए टू है तो पुट डी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर, माइनस टू स्क्वेयर दैट इज माइनस फोर। मैं सिर्फ डी स्क्वेयर पुट कर सकता हूं, डी पुट नहीं कर सकता, तो यहां माइनस फोर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू कोस टू टी, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, समझ आया ना, ट्रिक है ये, बता चुका हूं मैं पहले भी, ये बचा माइनस फाइव डी, या चलो माइनस फोर प्लस सिक्स टू माइनस फाइव डी, मर्जी है फाइव डी को आप फर्स्ट टर्म बनाना चाहें या सेकंड टर्म, तो यहां तक होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब जो कोस है वो सिर्फ डी की टर्म, सॉरी डी स्क्वायर को हैंडल कर सकता है, डी को हैंडल नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या ट्रिक लगाते थे, रैशनलाइजेशन, तो इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, इसको टू, इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड। ये मैं ट्रिक करा चुका हूं, एनफ टाइम इन पे लगा चुका हूं, तो मुझे लगता नहीं यहां इतना टाइम की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। क्लियर हुआ? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, करो सिंप्लीफाई इसको, ये बचा टू प्लस फाइव डी अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आपका a है और ये आपका b है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कोस टू टी। फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इट्स गुड कि अगर आप फॉर्मूला जो यूज हुआ है वो लिखें, ठीक है, अगर याद रहे तो लिखिए जरूर उसको। ये बचा अपॉन फोर और ये बचा 25 डी स्क्वेयर इंटू कोस टू टी, तो अब आप अगेन नीचे डिनोमिनेटर में डी स्क्वेयर आ चुका है, तो पुट डी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी बता चुका हूं, माइनस फोर, ये रही, तो टू प्लस फाइव डी न्यूमरेटर में, फोर माइनस 25 इंटू माइनस फोर कोस टू टी, तो ये कितना बचा 2 प्लस 5d अपॉन या 25 4 100 104 cos 2t। अब डिनोमिनेटर का अगर खत्म हो चुका हो तो डिनोमिनेटर के d से एक इशू होता है, न्यूमरेटर का d तो सिंपली प्रोडक्ट करके खत्म हो जाएगा। लो जी, मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं 2 cos 2t प्लस 5d सॉरी 5d cos 2t, cos 2t को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 5d से मल्टीप्लाई कर, d का मतलब होता है बच्चे डेरिवेटिव, तो ये आया 2 cos 2t 5 as it is, अगर cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, माइनस साइन 2t आएगा तो ये आ जाएगा 10 sin 2t, होपफुली आ गया वो समझ में, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, cos का माइनस साइन आया और 2t का एक 2 आता है तो 2 into 5 10 हो गया। कुछ कॉमन लेके काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो मेरा पी आई आया
टू कॉमन आ जाएगा, ये आया 1/52 कोस 2t माइनस 5/52 साइन 2t, तो ये आया आपका पीआई पार्ट। अब जैसे भी लिखना चाहे, ब्रैकेट लगा के लिखना चाहे, अलग अलग लिखना चाहे, दैट्स योर कॉल। ओके, तो अब इसके बाद आप क्या लिखते हैं, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू इज रिटन एज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये आपका होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सी एफ आपके पास आ चुका है, तो सी एफ आपके पास है, पी आई आपके पास है, पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू सी वन ई रेस्ट पार टू टी प्लस सी टू ई रेस्ट पार थ्री टी प्लस 1/52 कोस 2t माइनस 5/52 साइन 2t। तो ये आया बच्चों आपका सॉल्यूशन, जो आपकी रिड्यूस्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका, ठीक है। बट ये तो रिड्यूस्ड का है, मुझे तो कोची का चाहिए, तो कोची में वापस क्या करना है आपको पता है, ये आ चुका है समझ में सबको, ठीक है। वापस क्या करना है, तो पुट ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको, पुट टी इज इक्वल टू लॉग एक्स इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, ठीक है, वापस t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू सी वन ई रेस्ट पार टू लॉग x, सी टू ई रेस्ट पार थ्री लॉग x प्लस 1/52 कोस टू लॉग x माइनस 5/52 साइन टू लॉग x, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, आपको पता है ई रेस्ट पार लॉग वन होता है, तो ये पावर में चला जाएगा और ये भी पावर में, आपको डायरेक्ट पता लग रहा हो तो दैट्स ग्रेट, नहीं पता लग रहा तो एक स्टेप फालतू लिख सकते हैं। लो जी, ये ई रेस्ट पार लॉग वन बचा, एक्स स्क्वेयर बचा ये, प्लस सी टू एक्स क्यूब बचा, प्लस 1/52 कोस टू लॉग एक्स बचा, माइनस 5/52 साइन टू लॉग एक्स बचा। यानी कुछ नया नहीं किया मैंने पूरे क्वेश्चन में, सिमिलर पिछला क्वेश्चन किया है, बट आपको राइट हैंड साइड में अगर साइन कोस आए तो आपको सब पता होना चाहिए कि राइट में साइन कोस आए तो आपने क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। अब तक मेरे राइट में जितने दो क्वेश्चन पीछे किए, राइट में एक्सपोनेंशियल टर्म आई तो एक्सपोनेंशियल टर्म में मिलती है डी की वैल्यू और साइन कोस में मिलती है डी स्क्वायर की वैल्यू, वो हम करा चुके हैं, तो होपफुली अब आपको समझ में आ रहे होंगे। स्टिल अगर आप चाहते हैं, स्टिल कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन भी वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड हो तो प्लीज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे मेल कर दें, मेरी मेल आईडी mathcommentors@gmail.com पे। कोई डाउट लग रहा हो, कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट और व्हाट्सएप और ईमेल, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आपका कॉल के लिए अवेलेबल नहीं है, मैं कॉल्स पे अवेलेबल नहीं होता। जिसका जो भी डाउट है तो जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप, जब भी मुझे टाइम मिलेगा एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूंगा, क्लियर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिमिलर राइट में कोर्स आई थी तो एक लेक्चर नंबर 9 है, जो हम 20 लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर नंबर 9 है, उसमें सिमिलर कोर्स की राइट हैंड साइड जो है वो कोर्स है। अगर आपको कोर्स को राइट हैंड साइड में हैंडल करना नहीं आता पीआई पार्ट उसका, तो आप वहां से जाके सीख सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक, होपफुली नहीं होगा। नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल और सोल्व कर रहे हैं इस कोची फॉर्म पे, बट उनको मैं सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस कर दूंगा, उसके बाद आपका काम है उसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि वो काफी बड़े क्वेश्चन है। तो मैंने 20 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, उसमें हर तरह की राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई की हुई है, तो आप वहां से उनको सिंप्लीफाई कीजिएगा। क्लियर, ओके, दैट्स ऑल।